हाय फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं पूरे दिन का काम करने एसी का। तो हमने क्या क्या काम किया इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बताएंगे आपको। तो ये देख सकते हो, अभी टूर बैग हो गया तैयार और ये हमारा बाइक भी हो गया है। तो अभी हम निकलने वाले हैं। अभी हम पहुंच गए हैं, देख सकते हो तीसरे फ्लोर पे जाना है, तो चलो चलते हैं। अभी ये आप देख सकते हो कि अभी हम कस्टमर के घर पे एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने के बाद हमने देखा कि ये जो एसी है इसको हमको निकालना है। निकालने के बाद हमको जो दूसरे साइड पे इसको लगाना है उधर, लेकिन उधर पहले एक और एसी था वोल्टास का, उसको भी निकाल लेना है। ये आउटडोर निकल गया है, पम्प डाउन वगैरह कर लिए हैं। करने के बाद जो हम इसको ऑटो में डाल के लेके जा रहे हैं साइड पे देख सकते हो कि पहले जो पाइप वगैरह जूना वगैरह सब लेके जा रहे हैं, टूल बैग वगैरह, ड्रिल मशीन वगैरह। तो ये वोल्टास का एसी है, इस देख सकते हो, ये हमको निकालना है, इंस्टॉल करना है, फिर हमको ये एसी लगाना है। तो ये एसी में जो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि ये सेकंड हैंड इनने लिया था, लेकिन इसका कंप्रेसर जो है वो लीक हो गया था। तो इसको डायरेक्ट एसी को ही चेंज कर दे रहे हैं सेकेंड हैंड, फिर हम लगाने वाले इसको। ये जो है पम्प डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि इसका गैस लीकेज है और इसको अच्छा। अभी ये वो एसी को खोल के उतार लिए, और जो हमारा ये एसी है इसको भी अभी हम इसको हैंग करेंगे स्टैंड पे। जो हमको स्टैंड है उसको खोलना नहीं पड़ा, ताकि जो इसका लेग है, जो ये एसी का लेग है और वो एसी का लेग एकदम प्रॉपर मैच खा रहा था, इसीलिए हमको इसका स्टैंड नहीं निकालना पड़ा। लगाने के बाद हमको जो है नट बोल्ट की मदद से इसको चारों पे लेग को टाइट कर लेना है अच्छे से पानी की मदद से। फिर हमको जो है अंदर का भी एसी निकालना है, जो वोल्टास का है इंडोर, उसको भी निकालेंगे। निकालने के बाद हमको ये जो एसी लगा रहे हैं इसका इंडोर लगाएंगे, फिर हमको कनेक्शन करेंगे पाइप का। लेकिन इसमें क्या है, जूना ही पाइप को हम यूज़ करेंगे, इसमें नया पाइप नहीं लगाएंगे। और वायरिंग वगैरह कनेक्शन वगैरह कर लेंगे, करने के बाद हम इसको इंडोर पे जाएंगे। तो ये आउटडोर का काम अभी हो रहा है हमारा, अच्छे से टाइट करने के बाद इंडोर को अभी हम जाएंगे निकालेंगे, इंडोर को भी निकाल लेंगे। ये जो है ये टेक्निक है कैंची टेक्निक से जो है प्रॉपर खुल जाता है और टाइट होता है, दम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये अभी हम इंडोर भी निकालेंगे, लेकिन जो इसका इंडोर नया लगाएंगे, जो जूना सेकंड हैंड लेके आए थे, उसको हम नहीं दिखा पाए वीडियो में लगाते हुए। तो ये अभी हमारा एसी लग गया है और इसको चालू कर दिया है प्रॉपर। जो है हमारा एसी कूलिंग कर रहा है, इंडोर भी हो गया है लगा के, आउटडोर भी चालू हो गया है। तो आप देख सकते हो आउटडोर भी चालू हो गया।